हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 4 जून को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद से फिर से दोबारा से गिरावट इसके शेयर में देखने को मिल रही है। क्या अभी आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस इन्वेस्टर को करना चाहिए, ब्रीफली इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को देखते हैं, 2500 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रहा है और अगर आप देखेंगे लगभग 2200 रुपीज़ के आसपास तक ये शेयर चला गया था और उसके बाद यहाँ से उछाल देखने को मिला। स्पेशली यहाँ पर आप देखेंगे ये एक उछाल आपको 4 जून 5 जून को देखने को मिला था, 2600 तक ये शेयर वहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है उस दिन के बाद से और 2500 रुपीज़ के नीचे फिर से ये शेयर यहाँ पर आ चुका है। अब पहले तो क्यों उछाल देखने को मिला था, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है या जितने भी एफएमसीजी सेक्टर के शेयर हैं ये डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि 4 जून 5 जून तक एक अनसर्टेनिटी थी, उस टाइम पे इन शेयर्स में लोग सेफर इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करके चले गए और वहां से आपने देखा कि 2300 रुपये से 2600 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच गया। अब फिर से जब स्टेबिलिटी की बात होने लगी है तो इस शेयर में फिर से करेक्शन देखने को मिल रही है, इसलिए मेजरली यहां पर गिरावट है। तो जब जब स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट में, इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आ रही, रिसेशन की कोई बात नहीं कर रहा, जब ऐसी इकॉनमी होगी तो आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक हैं ये परफॉर्म ना करें। और जैसे ही कोई अनसर्टेनिटी की बात होगी, जब बात होती है कोविड की बात होती है या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, मान लीजिए कल को कुछ ऐसा हो जाता है, फिर से रिसेशन आ जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में उस टाइम पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और अभी सिंस सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत इकोनॉमी में नहीं है, लेकिन जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, यहां पर आप देखेंगे 3 साल में 8% की प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी में। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगभग 57 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहां पर है। अगर हम ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, अगर कंपनी की प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, तो 63 की एवरेज रही है 5 सालों में, 10 सालों में 61 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रही है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि कंपनी की हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग नीचे है, लेकिन उसका रीजन था कि 2018 से 19 20 21 तक काफी ज्यादा इनकी प्राइस टू अर्निंग 70-80 के आसपास चली गई थी। जो असली यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है वो 40-50 की रेंज में यहाँ पर आपको अच्छी नजर आएगी, स्पेशली इस वक्त जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है स्टॉक में। और अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2021 तक एक वन साइडेड रैली इसके शेयर में देखने को मिली थी, उसके बाद से यहाँ पर लगभग पिछले 3-4 सालों में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हम 3 साल की चार्ट देखते हैं तो 3 साल पहले भी लगभग 2400 के आसपास ये शेयर था, आज भी 2400 के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंस बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिलती, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे शेयर्स बने हैं? तो देखिए, मैं पहले भी आपको एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल कम है और ऐसे शेयर्स HUL, HDFC बैंक, ये मेजरली शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा होते हैं जिनकी बहुत ह्यूज कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगी हुई है और उनको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, और अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर आपको ये पता है कि बहुत बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है स्टेबिलिटी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर 40-50% गिरावट आ जाएगी। और हर मार्केट कंडीशन में ऐसे शेयर एक कंसिस्टेंट आपको 8 से 10% के रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे को हमेशा से यही लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे शेयर्स जहां पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली प्रॉफिट की, और सेफर स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिंस इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है कि उनको सेफर स्टॉक्स की तरफ जाना पड़े, अगर सेफर स्टॉक्स में की जगह बेटर है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमा लें। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अभी आपको ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। और ये चीज मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं, आपको सेफर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन आपको लिमिटेड रखनी होगी। 8 से 10% की CAGR ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी होगी, क्योंकि
बहुत ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ अभी यहां से नहीं आ रही है। ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल्स पे शेयर पहुंचा हुआ है, 61,000 करोड़ के आसपास की सेल है। और पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे एक स्टेबिलिटी है, 60,000 की सेल्स थी पिछले साल, 61,000 की सेल्स है इस बार, और आने वाले कोई साल में भी कंपनी ने कोई बहुत बड़े ग्रोथ के ट्रिगर्स नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजों को भी आपको साथ में ख्याल में रख के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे, 10 साल में भी देखेंगे, पिछले 10 साल में तो 8% की ही सेल्स की ग्रोथ 10 सालों में आपको देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें भी आपको फैक्टर इन करनी है। चार्ट्स पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फर्स्ट सपोर्ट जो है इसका वो 2450 के लेवल्स पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो 2450 से नीचे जाता है तो फिर से आप देखेंगे, 2400 से नीचे जाता है तो फिर से आप देख सकते हैं 2200-2300 के लेवल्स पे ये कंपनी आ सकती है। फिर से अगेन, अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है आने वाले टाइम में, तो ऐसे शेयर्स आपको मदद करने वाले हैं। तो डिफेंसिव स्टॉक्स है तो उनको आपको उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। कैपिटल क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन के एंगल से आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।